नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहां पर हम बात करेंगे मौसम की और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट जो यहां पर पड़ सकता है एग्रीकल्चर पर, इरिगेशन पर, पावर पर, सभी सेक्टर्स यहां पर अछूते नहीं हैं मौसम को लेकर। और पिछला साल अगर सबसे ज़्यादा गर्म साल था 2024, माना जा रहा है कि उससे भी गर्म रह सकता है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर पर, वाटर हार्वेस्टिंग कितनी ज़रूरत है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से हम यहाँ पर क्या कुछ सीख सकते हैं, और क्रॉप्स स्पेशली क्या भारत इसके लिए तैयार है, इसे टैकल करने के लिए फूड सिक्योरिटी कहाँ पर खड़ी होती है, इन सब पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा, साथ ही मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज के सीईओ एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता हैं हमारे साथ, और इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान भी जुड़े हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और आशा है कि अगले आधे घंटे में जिस तरह की कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर करेंगे उससे कुछ प्रॉपर रिजल्ट सजेशन हम यहाँ पर ईल्ड आउट कर सकें। सबसे पहले मौसम पर जानकारी लेते हैं, और मिस्टर शर्मा, जिस तरह का अर्ली ऑनसेट का हमने इस बार समर्स में देखा, जिस तरह का मार्च का महीना गया, अप्रैल में हमने रिकॉर्ड्स तय होते हुए देखे, अब मई को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी चिंताएं हैं कि सन की पोजिशनिंग जैसी होगी, हम हीट वेव्स शायद यहाँ पर सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में भी बनता हुआ देखेंगे। कैसे देखते हैं आप, एक तो मई के महीने के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है, और दूसरा ये जो साल दर साल हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स तय करते हुए नजर आ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है लॉन्गर टर्म में? जी मनीषा, एक तो इस बार का जो प्री मानसून सीजन है थोड़ा सामान्य से हटके है। अप्रैल में हमने देखा लगभग कंट्रास्टिंग वेदर कंडीशंस हैं नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ में कोई हमें कोई भी हीट वेव देखने को नहीं मिली किसी भी जगह पे, बहुत कम। जो उत्तर के मैदानी भाग हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत 40 डिग्री का तापमान और एक आध दिन पहुंचा, उसके बाद नहीं। दिल्ली समेत, दिल्ली में भी एक दिन 40 है, उसके बाद तापमान कभी भी इतना ज्यादा नहीं हुआ। इसके विपरीत जो देश के पूर्वी भाग, जिसमें कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा की बात करें, उनके भीतरी क्षेत्र जो है, वहाँ पिछले कुछ दिनों से वहां पे जरूर हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। इसी तरह दक्षिण भारत में नाम मात्र वर्षा हुई, मैं कह रहा हूँ नाम मात्र भी नहीं, कोई कई स्थानों पर तो बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है अप्रैल के महीने में। और जो भीतरी भाग है पेनिनसुला के, इसलिए उसमें गर्मी बरकरार थी। जो आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं रायलसीमा के, लगातार वहां पे 43-44 डिग्री टेम्परेचर, कई एक बार तो 45 डिग्री भी रहा। तो ये विपरीत परिस्थितियां जो बनी रही देश के विभिन्न भागों में, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है प्री मानसून में, और इसमें एक बदलाव और हमें देखने को अभी मिलेगा मई के महीने में। जो भी अभी हीट वेव कंडीशंस जो पश्चिमी बंगाल या उड़ीसा या छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में है और दक्षिण भारत में है, 5 मई और उसके बाद से हमें बदलाव देखने को मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है लगभग देश के सभी भागों से, केवल गुजरात को छोड़ दे, तो हीट वेव तो उसके अपडेट हो जाएगी, हट जाएगी, क्योंकि काफी सारी एक्टिविटी, मल्टीपल वेदर फैक्टर्स जो है वो आएंगे। अभी नॉर्थ में भी, साउथ में भी, ईस्ट में भी, जो भी एक्टिविटी अभी तक नहीं हो रही थी प्री मानसून की, विशेषकर दक्षिण भारत में, वो शुरुआत उसकी जरूर होगी 4-5 तारीख के आसपास, और देश के काफी सारे भागों में ये हमें हीट वेव की स्थिति जो है वो हट जाएगी, और थोड़ा तापमान कम से कम चाहे एक सप्ताह के लिए ही होंगे, उसमें बदलाव जरूर हमें देखने को मिलेगा। जी ओके, मिस्टर शर्मा, जैसे आपने कहा कि हीट वेव की स्थिति यहाँ पर बेहतर होगी, अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर यहाँ पर देखें तो 2023 भारत के लिए दूसरा सबसे ज़्यादा गर्म साल था, वर्ल्ड के लिए हमने हॉटेस्ट ईयर ऐसे इसे आता हुआ देखा, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब 2024 के बारे में बोला जा रहा है कि जिस तरह की गर्मी यहाँ पर हम देखेंगे वो शायद एक नया रिकॉर्ड अपने आप में होगा, तो इन अ ब्रॉडर सेंस जिस तरह से तापमान हर साल यहाँ पर बढ़ रहा है, क्या ये कंसर्न है? पिछले 4 महीने जो है इस साल के, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की अगर आप बात करें, ये लगभग रिकॉर्ड हीट है इन महीनों का अपने आप में। तो इस हिसाब से चलें तो इसमें कोई दो राय नहीं, शक नहीं कि 2024 का भी जो जो आंकड़े आएंगे वो एक बार फिर से हो सकता है पिछले सारे रिकॉर्ड को भी दोबारा और आगे निकल जाए और एक गर्म साल होगा, उसमें तो कुछ दो राय नहीं है। गर्म तो होगा ही होगा, कितना गर्म, पिछले सारे रिकॉर्ड्स को आगे निकल पाएगा ये नहीं, वो बात है। पहले 4 महीने तो जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा गर्म जनवरी से लेके अप्रैल तक, और इसमें कोई सुधार की कोई कोई विशेष संभावना दिख नहीं रही है।
देखिए, अलिनो की स्थिति अभी भी बनी हुई है। ये ऐसे वेदर पैटर्न होते हैं जिसमें कि जो क्लाइमेट पैटर्न है उसको बिल्कुल उथल पुथल उसमें खो जाती है। क्लाइमेट केओस जिसको कहते हैं वो पॉसिबल होता है इनकी वजह से। और एक ही साल में अभी अलिनो अलिनो को अलिनो एंड सो न्यूट्रल होने के बाद वो लानीना की संभावना, तो एक इतना बड़ा चेंज 6-8 महीने के अंदर जो है उससे देश के या ग्लोब के अलग अलग भागों में किस तरह की मौसमी परिस्थितियां बनेगी, कई बारी तो उसका आकलन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल। प्रिडिक्टिबिलिटी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट आल्सो कि क्या होने वाला है और कैसे होगा। और ऐसा हमें देखने को मिला भी है अभी तक, कई हिस्सों में जबरदस्त हीट है और कई में असामान्य सी वर्षा भी है, तूफान भी है। और जहां तक इंडियन कॉन्टिनेंट का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सवाल है, आपने देखा हमने अप्रैल के महीने में कुछ भी तो एक्टिविटी नहीं हुई है ना, तो हमें कहीं ज्यादा उत्तर भारत में कोई डस्ट स्टॉर्म जो आते हैं वो देखने को मिले हैं, ना तो कोई इंडियन सीज में, बंगाल की खाड़ी में, ना अरबी अरब सागर में कोई भी स्टॉर्म देखने को नहीं मिला। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, हालांकि पिछले 3-4 साल से अप्रैल के महीने में नहीं लेकिन मई में जरूर स्टॉर्म बने हैं। लेकिन जैसी परिस्थितियां चल रही है, मैं तो कह रहा हूँ मई का आधा तो 2 हफ्ते निकल जाएंगे, कोई भी मुझे ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनता हुआ नहीं दिख रहा है इंडियन सीज में। तो ये एक असामान्य सी बात है, एक असामान्य सा पैटर्न है जिसका असर अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग तरह से जरूर हमें देखने को मिलेगा। जी एब्सोल्युटली, तो चिंताएं हैं यहाँ पर। और 2024 शायद जिस तरह का अभी जनवरी टू अप्रैल जैसे मिस्टर शर्मा ने कहा, जिस तरह के टेम्परेचर्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, सबसे हॉटेस्ट मंथ्स एवर ऑन रिकॉर्ड ये शायद रह सकते हैं। और इंडिया की तो बात ऑफ कोर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इंडिया काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर के सेंस में इम्पोर्ट भी करता है, ट्रेड भी करता है, लेकिन जिस तरह के हालात हमने पिछले एक साल में यहाँ पर वेरियस कंट्रीज़ में बनते हुए देखे हैं, चाहे वो एशिया हो तो मलेशिया या म्यांमार की बात की जाए या फिर अर्जेंटीना की बात की जाए, ब्राज़ील की बात की जाए, इन दैट सेंस जहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है, सभी जगह हमने देखा है कि मौसम में स्थिति में यहाँ पर काफ़ी चेंजेस आए हैं। मिस्टर शर्मा बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए और वो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग यहाँ पर करने के लिए। मिस्टर खान आपके पास अब यहाँ पर आना चाहेंगे। काफ़ी सारी नीतियां हमने सरकार की तरफ से इस साल में बनते हुए देखी हैं, कुछ इलेक्शन की वजह से, कुछ इन्फ्लेशन को लेकर, कुछ होर्डिंग की चिंताएं हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, एक्सपोर्ट्स में काफ़ी हद तक हमने यहां पर कर्ब्स लगते हुए देखे हैं। लेकिन आप उसको अगर मौसम के लिहाज से देखें, लेंटिल्स को काफ़ी बढ़ावा है क्योंकि ऑफकोर्स इसको कम पानी लगता है, तो आपको लगता है भारत जिस दिशा में जा रहा है क्या हम रिएक्ट कर रहे हैं नीतियों के लिहाज से क्लाइमेट चेंज को लेकर? देखिए, राजनीतिक मौसम गर्म हो रहा है और मौसम क्लाइमेट वेदर कंडीशंस तो चेंज हो ही रही है और मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो वेदर कंडीशंस में दिखाई पड़ रहा है पूरी तरीके से जी। अब फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा जो कंसर्न इंडिया में है वो आप भी जानते हैं कि पल्सेस का है, एंड निर्यात के हिसाब से देखें तो ग्रेन्स पे भी जिस तरीके से निजर रिडक्शंस होते रहे हैं, तो अभी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हिसाब से जो एक्शंस डिसीजन होने चाहिए उसमें कमी आ रही है और बड़ी टफ लाइन गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही है। ट्रेड की जो अनसर्टेनिटीज हैं क्योंकि उसको जोड़ के देख रहे हैं होर्डिंग से, तो कंसर्न ये है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं खास करके तुर वगैरह के, लाइन लेने की सरकार तैयारी में है, चाहे इसका ट्रेड पे क्या असर पड़े लॉन्ग टर्म वो अलग बात है। मिस्टर खान ऑफ कोर्स आपने यहाँ पर दालों की बात की ही है और जैसे आपने कहा कि यहाँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है और आपकी बात सही है क्योंकि अगर इस साल की बात करें तो चीनी में दिक्कत नहीं है, सरकार ने उसे हैंडल किया है, चावल गेहूं की स्थिति भी यहाँ पर ठीक ठाक नजर आती है, हार्वेस्ट हो रही है, सरकार यहाँ प्रोक्योर भी कर रही है, खाने के तेलों में ड्यूटी यहाँ पर काफ़ी हद तक कट है, खाली दालें ही ऐसी जगह है जहाँ पर नियंत्रण अभी भी हम यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं देख पाए हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं जहाँ पर शायद होर्डिंग है और इंडियन मार्केट्स में जैसे आपने कहा यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं ऑफिशियल्स की तरफ से कि बहुत जल्दी हम यहाँ पर ऑफिशियल्स को मिलों के पास, स्टेक होल्डर्स के पास उतरता हुआ देखेंगे, कैसे देखते हैं आप इसे इन स्टेप्स को ओवरऑल सेंटिमेंट के तौर पर? जो है इसमें होल्डर्स वगैरह से रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है जी, और उसका कितना असर पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव बाद में एनालिसिस निकल के आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें कोई दो राय नहीं है कि टेक्नोलॉजी का ब्रेक थ्रू हुआ नहीं पल्सेस में तो
मिस्टर खान, आपसे पास फिर से आएंगे क्योंकि आपका ऑडियो यहाँ पर ग्लिचेस दे रहा है, लेकिन सुमित आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का इम्पैक्ट हमने दालों पे आता हुआ देखा है, जहाँ पर इम्पोर्ट को लेकर दिक्कतें हैं, दूसरी कंट्रीज हमें यहाँ पर अप्रोच करनी पड़ रही हैं, यहाँ पर भी होल्डिंग है, ऑफकोर्स सबको लगता है कि दालों के भाव ऊपर जाएंगे तो लोगों ने होल्डिंग भी करी हुई है, कैसे आप देखते हैं टू बिगिन विद दालों का सिनारियो? मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 140 करोड़ जनसंख्या के लिए और पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जैसे ही दालों के भाव बढ़ने लगते हैं इंडिया में पॉलिटिक्स का की गर्मी बढ़ने लगती है। क्योंकि आज अगर हम देखें कि दालों के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर आपके पहले सवाल में मौसम। पिछले 2 साल से हमने एलनीनियो देखा है इंडिया में, और जब भी एलनीनियो आता है इंडिया में बारिश कम होती है। और आपको पता है किस एरिया में बारिश कम होती है? उन एरिया में जहां पर हम दालें उगाते। क्यों? क्योंकि हम दालें इंडिया में रेन शेडो रीजन में उगाते। इसके कारण जब भी इंडिया में एलनीनियो आता है, जब हमने देखा 2016-17 उसके बाद अभी 2022-24, तो हमने देखा दालों के भाव बहुत तेजी से इंडिया के अंदर बढ़े, और ये एक्चुअली शॉर्टेज की निशानी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप लिए, जैसे येलो पीज इम्पोर्ट अलाउ किया, गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से चना इम्पोर्ट अलाउ करना चाहिए, लेंटिल्स के हमने इंपोर्ट को काफी बढ़ते हुए देखा है इंडिया में। और क्या ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है या लॉन्ग टर्म फिनोमिना? अगर आप देखिए, ये आज हमारे रिजर्वायर स्टेटस कितना लो है, आज अगर बारिश भी आती है तो पहले ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होगा, तो इसके हिसाब से हमारे देश में शॉर्टेज अगले 1 से 1.5 साल बनी रहने वाली है, और हमको अगले 1 से 1.5 साल ग्लोबल मार्केट स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा और रशिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना है पल्सेस के लिए। और इसको हमें अपनी वीकनेस नहीं देखना चाहिए, हमको कभी भी फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं जाना चाहिए, हमको फूड को ऑगमेंट सप्लाई को बढ़ाने के ऑब्जेक्टिव से जाना चाहिए। एंड आई बिलीव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन लॉट ऑफ टाइमली स्टेप, हमको इसको होल्डिंग के एंगल से नहीं देखना चाहिए, हमें इसे ये देखना चाहिए क्या सेंटिमेंट इस समय बाजार में शॉर्टेज का है। हाँ जी, शॉर्टेज का है, अगले साल हम इसकी सप्लाई कैसे बढ़ाए, तो इस सवाल का जवाब सप्लाई बढ़ाने में है, चाहे वो इंपोर्ट चाहे वो डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ा के, लेकिन डोमेस्टिक सप्लाई इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। और जैसे सर ने शर्मा जी ने शुरू में बोला कि ये साल एक वेदर क्योस का है, जब हम एलनीनियो से लानिना में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसके अंदर हमको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पहले दिन से पिक्चर परफेक्ट वेदर होगा। हमको अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना चाहिए और लगातार इंडिया में सप्लाई बढ़ाने के चांसेस को, अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना चाहिए। वो आपने बिल्कुल सही बात कही सुमित, कि हमेशा बैंडेड स्टेप्स नहीं लिए जा सकते, हमेशा सिर्फ इन्फ्लेशन को मद्देनजर नहीं रखा जा सकता, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल मूव्स यहाँ पर हमें कमोडिटीज में करनी होंगी, स्पेशली दालों में। मिस्टर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं वापस। मिस्टर खान, आप जैसे कह रहे थे कि एक तो ऑफकोर्स हाइप है कि दालों में भाव ज्यादा है, बाकी कमोडिटीज में भी अगर देखा जाए तो बढ़त उस लिहाज से हमने यहाँ पर भी आते हुए देखी है, ऑफकोर्स एमएसपी के ऊपर उड़द और तुअर बहुत ज्यादा है फिलहाल, लेकिन जिस तरह के गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं फिलहाल, चाहे वो स्टेक होल्डर्स पे नजर रखने की बात है या उनके स्टॉक्स को डिस्क्लोजर करने की बात है, आप कैसे देखते हैं सरकार का रवैया? आपको भी लगता है ये बैंडेड स्टेप्स हैं या ये करने की जरूरत है अभी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से जो वेदर कंडीशंस बहुत ही फ्लक्चुएट कर रही हैं और उसका प्रोडक्शन पे असर हो रहा है, दूसरा कोविड के बाद में फूड इन्फ्लेशन दुनिया भर में बढ़ा है, इंडिया भी उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन इंडिया का जो पेक्यूलियर पार्ट है वो पल्सेस से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आल्सो एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर आल्सो, लेकिन डेफिसिट बना हुआ है, वो डेफिसिट इस साल थोड़ा बढ़ेगा ही। तो लॉन्ग टर्म में यह है कि जैसे इंपोर्ट को ओजीएल में डाल दें, एक बार बीच में हुआ कि अफ्रीका में कांटेक्ट किया और एश्योरेंस दिया और किसानों ने ग्रो किया और इंडिया ने इंपोर्ट बैन कर दिया, तो अगले 5 साल में अगर पॉलिसी लाके, ये हम लोगों ने आज अभी सेक्रेटरी मैडम को भी कहा कि आप इसको ओजीएल में डाल दें पल्सेस को, सो दैट फ्री ट्रेड आए और वहाँ के प्रोड्यूसर को कॉन्फिडेंस आए, तो एक तो ये है। दूसरा ये हुआ कि 5 कंट्रीज के साथ में हम लोग एक फ्रेश एमओयू भी साइन करें, जिससे यहाँ ट्रेडर्स को भी एक तरीके से होर्डिंग जैसा एक जो बार बार गवर्नमेंट में आ रहा है कि हो रहा है उससे थोड़ा सा एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, जो हमसे प्रीवियस स्पीकर कह रहे थे, आई 100% एग्री विद हिम कि बड़ी गुंजाइश है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि पूरा बुंदेलखंड का रीजन हम लोग पल्सेस के मिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे 3 सालों की लर्निंग जो मिलेट्स की रही है, कोई 2.5 से 3 मिलियन टन हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर लिया है मिलेट्स को, जो
बड़ा एक ग्राफ नीचे जा रहा था। सेम एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड है बाय एंड लार्ज पल्सेस के लिए, जहाँ पे धान गेहूँ नहीं हो सकता है वहाँ पे पल्सेस हो सकती है, मिलेट हो सकता है। तो अगर हम लोग ये लें, क्योंकि टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू पल्सेस में नहीं हो पाया वर्ल्ड वाइड, बाकी सब क्रॉप में हाइब्रिड्स आ गए हैं जिससे 2 गुना 3 गुना 5 गुना जंप आ गया प्रोडक्शन में, लेकिन पल्सेस में नहीं आ रहा है। तो या तो एरिया एक्सपेंशन से हो सकता है, या बेटर एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस से हो सकता है, या फिर इम्पोर्ट से हो सकता है। टेक्नोलॉजी का यूज करके थोड़ा सा जो वेयर हाउसिंग के मॉनिटरिंग का पार्ट है, तो उसमें बहुत टफ स्टैंड लेने के बजाय सरकार को टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सोइंग इंटेंशन सर्वे 3 महीने पहले कर लें कि पल्सेस की तरफ जा रही है सोइंग, उस हिसाब से इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, सोइंग से पहले अगर MSP बढ़ा के डिक्लेयर कर दें, इंसेंटिवाइजेशन कर दें, तो फिर उसका सोइंग पे असर पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, सोन एरिया अगर उतने ही है और बाद में आपने प्राइस बढ़ा के भी MSP दे दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा, जो रूलिंग प्राइसेस मार्केट के हैं वो MSP से ऊपर रूल कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से दैट फार्मर स्टैंड्स इंसेंटिवाइज्ड, और वो जो इंसेंटिवाइजेशन का जो इंडिकेशन है वो सोइंग के 1 महीने पहले अगर हो जाएगा तो उसका फिर पॉजिटिव असर पड़ेगा सोइंग के एरिया पर। जी हाँ, काफी कुछ है और आपने एक अच्छी खासी एग्जॉस्टिव लिस्ट यहाँ पर शेयर करी है मिस्टर खान की, क्या कुछ यहाँ पर सरकार लॉन्गर टर्म के हिसाब से कर सकती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इलेक्शन वाला साल है और ज्यादातर जो चीजें यहाँ पर फिलहाल की जा रही हैं वो इसीलिए की जा रही हैं कि भाव यहाँ पर नियंत्रण में रहें। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो अपने दोनों ही एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार इस वक्त क्लाइमेट चेंज से जूझने के लिए क्या कर रहे हैं, दालों को लेकर उनकी क्या नीतियाँ हैं, और जो भारत यहाँ पर कर रहा है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या हमें यहाँ से और करने की जरूरत है इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर पे, जहाँ पर सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं, हम काफ़ी चीज़ों से यहाँ पर जूझ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स भी है यहाँ पर, एक लॉन्गर टर्म फूड सिक्योरिटी की बातचीत भी की जा रही है। मिस्टर खान, ये सवाल आपसे है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी इन सभी चीज़ों से फिलहाल जूझ रहे हैं, लेकिन भारत में जिस तरह की पॉपुलेशन है, जिस तरह की ग्रोथ है और जिस तरह का इंक्रीमेंटल डिमांड ग्रोथ हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, आगे जाके ऑफकोर्स काफ़ी सारे यहाँ पर मेजर्स लेने होंगे, और क्लियरली इलेक्शंस के बाद जब नई सरकार आ जाती है तो हम देखेंगे एक नया चेंज यहाँ पर आता हुआ। लेकिन पर अब फिलहाल हम यहां पर खड़े हैं, एक लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल प्लान, स्पेशली जब हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं यहां पर खाने के तेलों में, दालों में, एक्सेट्रा में, आपको क्या लगता है अब यहां से क्या किया जाना चाहिए? मुझे लगता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को थोड़ा बेल्ट टाइटन करना पड़ेगा, क्योंकि हो क्या रहा, एक्शन में आता है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, क्योंकि प्रेशर उस पर आता है जब प्राइसेस इन्फ्लेट करते हैं, लेकिन जिसके पास चाबी है वो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड स्टेट लेवल पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी ड्रा करना पड़ेगा कि जैसे कोई 6 मिलियन हेक्टेयर के आसपास लैंड, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के हिसाब से जमीन खाली पड़ी हुई है, तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पल्सेस के प्रोडक्शन में। तो जो पल्सेस मिशन है वो स्टेट लेवल पे इस टाइम पे एक्टिवेट करना पड़ेगा, और जहां पे नहीं वहां पल्सेस मिशन एक तरीके से मिशन मोड अप्रोच में जाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिसर से 15-20% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो सकता है अगर उस लाइन पे जाए सेंसिटाइजेशन, तो मुझे लगता है एक बड़ा काम हो सकता है। इक्रीसेट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, इनके साथ में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का एक बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, एंड प्रोक्योरमेंट एजेंसी का। जैसे उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, दीज टू स्टेट्स कैन मेक ह्यूज डिफरेंस, लेकिन इन दोनों स्टेट्स में जो ऑफिशियल्स हैं वो ओरिएंटेड ही नहीं है कि मार्केट को रिस्पॉन्ड करना है, उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाने से लेके एक प्रोक्योरमेंट सपोर्ट सिस्टम जो है, ताकि इनके वहां से इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट हो। जैसे दोनों बड़े लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं वीट के, लेकिन दोनों जगह पे इस टाइम पे बहुत मच बिलो द टारगेट लेवल प्रोक्योरमेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट का सपोर्ट पैराफर्नेलिया है वो एक्शन में नहीं है, वो ओरिएंटेड नहीं है, वो इंसेंटिवाइज नहीं है, और कम से कम एक तरीके से जो टॉप डाउन अप्रोच होती है वो भी डंडा घुमाने वाला भी नहीं चल रहा है। विच मीन्स कि जो बड़ी स्टेट जो ज्यादा डिफरेंस कर सकती है बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ बेटर कनेक्ट विद दी प्रोक्योरमेंट सिस्टम, सो दैट थोड़ा मॉडरेटेड हो जाए एक नेगेटिव जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं या जो फ्लक्चुएशंस हैं वो, मुझे लगता है। तो आज सेक्रेटरी मैडम भी उसी लाइन पे बात कर रही थी कि प्रोबेबली इन स्टेट्स को ज्यादा बेहतर रोल प्ले करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है रिसर्चेस को स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सर रिसर्च या डायरेक्टोरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद, इनके कंप्लीट उसमें नहीं है, क्योंकि इनका एक लिमिटेड स्टाफ है, लिमिटेड मैंडेट है।
एंड लार्ज रोल जो प्ले करना है वो जो 65 क्रॉप ओरिएंटेड एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटीज है आउट ऑफ 82 बाकी तो हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल साइंस की है जी। तो अगर ये एक्शन में आ जाती है तो एक सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। तो हम लोग भी इंडिया ग्रेन्स एंड पल्सेस काउंसिल की तरफ से एक राउंड टेबल कन्वीन कर रहे हैं जिसमें सभी स्टेट डिपार्टमेंट रिसर्च एंड एक्सटेंशन सिस्टम एंड ट्रेड के लोग आएंगे सो दैट एक होलिस्टिक व्यू लेके एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत पड़ेगी। और एक और सजेशन दिया है कि 10 कंट्रीज में इंडिया ने एग्रीकल्चर काउंसलर्स अपॉइंट किए थे जी। उनमें से एक भी अफ्रीकन कंट्री नहीं जहां पे अपॉइंट हुआ। तो अभी नया जो 10 और अपॉइंट करने का बात चल रहा है तो उसमें मैंने मैडम से कहा कि आप थोड़ा प्रोएक्टिवली कम्युनिकेशन पीएमओ को करें कि अफ्रीकन कंट्री जहां से हमारा ट्रेड पल्सेस का होना है जी। या जहां से हम लोग ऑयल सीड का होना है इन जगहों पर इंडिया के एग्रीकल्चर काउंसलर्स अगर पोस्टेड होंगे तो वहां की मार्केट सिचुएशन वहां के डायनेमिक्स बेहतर स्टडी करके यहां पे रेगुलर बेस पे अपडेट करेंगे सो दैट यहां पॉलिसी प्लानिंग में या इंटरवेंशन में एक बेहतर अप्रोच अडॉप्ट की जा सके। एब्सोल्युटली। तो आपने नियर टर्म एक लॉन्गर टर्म और ऑन ग्राउंड एग्जैक्टली यहां पर क्या किया जा सकता है उसके बारे में बात की है और जो आप कह रहे हैं जिस तरह की कॉन्वर्सेशन आपके वहां पर मिनिस्ट्रीज के साथ है अगर वो एक्चुअली इंपैक्ट यहां पर हो जाता है इंप्लीमेंट हो जाता है तो एक काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम यहां पर आता हुआ देखेंगे। सुमित आपसे भी जानना चाहेंगे मिस्टर खान ने ऑफकोर्स यहां पर एक अच्छी एग्जॉस्टिव लिस्ट बताई है कि क्या कुछ बातें हो रही हैं क्या कुछ यहां पर किया जाना चाहिए और उसका इंपैक्ट यहां पर क्या रह सकता है। आपको क्या लगता है कि कैसे यहां पर काम होना चाहिए अब जहां तक एग्रीकल्चर की बात है ओवरऑल में स्पेशली पल्सेस में जहां पर कंसर्न्स कुछ ज्यादा हैं और आगे जाकर भी कोई बहुत बड़ा निकाल फिलहाल नहीं नजर आ रहा। इंडस्ट्री एक्चुअली डरी हुई है कि यहां पर कितनी जल्दी और कौन सी मिल में और किसके ऑफिस में रेड पड़ जाए या चेकिंग हो जाए तो क्लियरली एक एक डायरेक्शन की यहां पर काफी जरूरत है। और आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की प्रैक्टिसेस हैं वहां से भी कुछ सीख ली जा सकती है। मैम आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन टू टू पार्ट्स एक इंटरनेशनल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से और डोमेस्टिक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी अगर आप देखें इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जब भी कोई इकोनॉमी ग्रो होती है तो सबसे पहली चीज क्या होती है लोगों की जेब में पैसा आता है और वो पैसा वो खर्चते हैं सबसे पहले खाने के ऊपर और खाने में किस चीज के ऊपर प्रोटीन के ऊपर। जो जो वेजिटेरियन है वो ज्यादा दालें खाएंगे और जो एनिमल प्रोटीन खाते हैं वो पहले हफ्ते में एक बार एनिमल प्रोटीन खाते थे अब दो बार खाएंगे चार बार खाएंगे छह बार प्रोटीन एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल प्रोटीन कंजम्पशन इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बढ़ने वाली है। तो आपका जो सवाल है क्या ये पल्सेस की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है आंसर इज नो। ये पल्सेस की प्रॉब्लम साल दर साल सप्लाई के एंगल से बढ़ने वाली है क्योंकि हमारी कंजम्पशन ओवर द इयर्स ये काफी बढ़ेगी। अगर मैं आपको इसमें एग्जाम्पल इंटरनेशनल एग्जाम्पल चाइना का दूंगा। चाइना 2008 के अंदर उनकी पर कैपिटा इनकम अंदाजा $2,200 थी जितनी आज इंडिया की पर कैपिटा इनकम और वो उस समय केवल 30 मिलियन टन ऑफ सोयाबीन इंपोर्ट करते थे। आज वो कितना बीन इंपोर्ट कर रहे हैं 100 मिलियन टन। क्यों? क्योंकि जैसे इनकम बढ़ी इनकी प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ी। ऐसे ही इंडिया के अंदर जैसे ही हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ते हुए जाएगी हमारी प्रोटीन कंजम्पशन काफी तेजी से बढ़ने वाली। उसका इंपैक्ट क्या होगा? उसका इंपैक्ट हम नेशनल एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं। इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में लास्ट कंट्री है जो गेहूं उगाता है। इसका मतलब स्मॉल चेंज इन वेदर विल हैव लार्ज इंपैक्ट ऑन अवर प्रोडक्शन। इसका मतलब इंडिया के अंदर हमारी प्रोडक्शन और वेरिएबल होने वाली है। दैट मींस इफ गवर्नमेंट हैज टू टेक प्रोएक्टिव एक्शन उनको दे नीड टू make better guesstimates on the production, on enabling factors कि हम production कैसे बढ़ाएं। हमारी 1965 के अंदर दालों की yield 1 टन पर हेक्टेयर थी, आज भी हमारी yield लगभग नहीं है। What does it mean? It means कि जैसे ही land productive होती है, वो पानी आता है, तो किसान सबसे पहले दालों से shift होके धान या गेहूं की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ पर yield बहुत अच्छी। अब चना का भाव मोटा मोटी 65 रुपए के आसपास हो गया, तो अगले साल किसान गेहूं उगाएगा या चना उगाएगा ये डिसीजन तो आपके पास आज ही आ गया। इसका मतलब क्या है? अगले साल आपका गेहूं का एरिया इंडिया में कम होगा और पोटेंशियली वो चना की तरफ जाएगा। सेकेंड, अगर मान लीजिए जून के अंदर हमारी बारिश नहीं होती तो गवर्नमेंट चाहे कोई भी स्टेप कर लीजिए कितनी भी रेड कर ले इंडिया के अंदर दालों के भाव विल गो ओवर द रूफ। करेक्ट। ओके, सो इट इज अ मिक्स ऑफ साइंस एंड आर्ट, इट इज अ मिक्स ऑफ पॉलिसी एंड राइट डिसीजन मेकिंग। इट इज नॉट यू कैन, जो आपने बोला बैंडेड डिसीजन मेकिंग की जगह हमको इसको 3 से 6 महीने के क्वार्टर्स में एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है और एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेकिंग,
दोनों को हैंड इन हैंड चलना जरूरी है। एब्सोल्युटली, जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है। आपने एकदम सही कहा सुमित कि अगर क्वार्टरली और लॉन्ग टर्म अगर हम यहाँ पर नहीं सोचेंगे, वो जो नीजोक रिएक्शंस हम यहाँ पर रहते हैं उसका, जैसे कि कहा गया कि बहुत ही बैंडेड इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बेहद जरूरत फिलहाल इंडियन मार्केट्स को है। और सुमित आपने और मिस्टर खान ने काफी डिटेल में हमें ये समझाया भी है कि क्या कुछ यहाँ पर किया जा सकता है, क्या लर्निंग्स हैं, और अगर ये किया जाता है तो क्लियरली आने वाले समय में जो कंसर्न्स हैं वो यहाँ पर हम आसानी से शायद टैकल कर भी पाए। लेकिन बहुत शुक्रिया, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय, ऑफ कोर्स यहां पर इसमें और भी आपका फीडबैक आगे जाकर लेते रहेंगे, लेकिन आज यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।